दुनिया का वो सबसे बेहतरीन खूंखार हथियार, सभी टोटल 195 देशों में जो है सिर्फ भारत के पास। भारत ही है इस खतरनाक ब्रह्मास्त्र का जन्मदाता, जो खास हथियार जिसकी अमेरिका तक नहीं कार। दोस्तों, पूरी दुनिया के लिए अमेरिका सुपर पावर कंट्री है। उसके दुनिया में सबसे ज्यादा और धरती का कई बार सर्वनाश कर देने वाले परमाणु हथियार है। उसके पास विश्व की सबसे घातक एयरफोर्स, नेवी और थल सेना है, जिसका सामना करना किसी भी देश के लिए बर्बाद होने के समान है। यानी अमेरिका से भिड़ना मतलब सामने वाले की शत प्रतिशत हार। लेकिन शायद ही आपको पता हो कि अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश की भी एक ऐसी कमजोरी है जिससे वो आसानी से हार सकता है, कितना भी छोटा और कमजोर देश क्यों ना हो। जी हाँ, इसे आप अजय हथियार कह लीजिए, जिसका सामना ना अमेरिका कर सकता है ना ही दुनिया का कोई और भी देश। सिर्फ और सिर्फ भारत ही जानता है कि ऐसे हथियार कैसे यूज किए जाते हैं। इस हथियार की काट अगर कोई छोटा देश भी जानता है तो उसके सामने अमेरिका जैसा सुपर पावर देश भी घुटने टेक देगा। हम इस बात को प्रमाण के साथ आपको बताएंगे, वहीं ये भी बताएंगे कि कैसे भारत को इस हथियार को इस्तेमाल करने में महारत हासिल है। तो बने रहिए वीडियो पर। इस खास तरीके से हार जाता है अमेरिका, जंग का वो तरीका जो अमेरिका नहीं जानता। सबसे पहले बात करते हैं अफगानिस्तान की, जहां अफगानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट को छोड़ने के साथ ही सुपर पावर अमेरिका की एक और शर्मनाक हार इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई है। वियतनाम, पश्चिम एशिया और अब अफगानिस्तान में मुट्ठी भर तालिबानियों ने परमाणु बम और महाविनाशक फाइटर जेट से लैस अमेरिकी सेना को घुटने पर झुकने को मजबूर कर दिया था। आप सभी ने तालिबानियों का अफगान की सत्ता पर कब्जा करते हुए देखा होगा। अफगानिस्तान में अमेरिका के आधी रात भागने को हार इसलिए कहा गया क्योंकि अमेरिकी सेना के लौटने के बाद अफगानिस्तान में स्थिति ठीक 2001 से पहले वाली ही है। $2 ट्रिलियन खर्च और एक से बढ़कर एक हथियारों के इस्तेमाल के बाद भी अमेरिका अफगानिस्तान की जमीनी स्थिति को कुछ भी बदलने में नाकाम रहा। अमेरिका तालिबान और अपने सबसे बड़े दुश्मन अलकायदा के अस्तित्व को मिटा नहीं पाया। ऐसा कैसे संभव हो गया? इस राज से पर्दा अब हट गया है। जी हाँ, कुछ ऐसा ही है। जंग हमेशा बल से नहीं जीती जाती, जंग जीतने के लिए योजनाबद्ध तरीके से जंग को अंजाम देने की जरूरत होती है। इस युद्ध का नाम है गुरिल्ला जंग और तालिबान इस जंग के महारथी हैं। इसी ताकत के बल पर उन्होंने अमेरिका को झुकने पर विवश कर दिया। ऐसा अमेरिका के साथ पहली बार नहीं हुआ है, बल्कि वो गुरिल्ला छापामार युद्ध प्रणाली से कई युद्ध हार चुका है। अफगानिस्तान या पश्चिम एशिया में उसे शर्मनाक हार मिली है। ऐसे में आप ये सवाल कर सकते हैं कि आखिर क्यों गुरिल्ला युद्ध में सुपर पावर अमेरिका अपनी हर लड़ाई क्यों हार जाता है। बात करते हैं वियतनाम की, जिससे अमेरिका का युद्ध 1956 से शुरू होकर 1975 तक 20 साल तक चला। इस युद्ध में अमेरिकी सेना 1965 में उतरी और देश को कम्युनिस्ट राष्ट्र बनने से बचाने के लिए एक भीषण लड़ाई शुरू हुई। देखते ही देखते युद्ध अपने चरम पर पहुंच गया। ये साल था 1969, जब अमेरिका ने 500,000 सैनिकों का भारी भरकम सैन्य बल जंग के मैदान में उतार दिया। लेकिन अगले 4 सालों में चीजें तेजी से बदलने लगी। वियतनाम ने अपना ब्रह्मास्त्र चल दिया, यानी वियतनाम की सेना ने गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई और अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दिया। इस युद्ध से अमेरिका के पैर उखड़ने लगे। अमेरिकी सैनिकों की लाशें जब घर लौटने लगी तो अमेरिका में हाहाकार मच गया, जिसके बाद अमेरिका ने 1973 में बिना किसी अंजाम तक पहुंचे अपनी सेना को वापस बुला लिया। गुरिल्ला युद्ध के मैदान में अमेरिका को मिलती है शर्मनाक हार। सुपर पावर कहा जाने वाला अमेरिका गुरिल्ला युद्ध के मैदान में बैकफुट पर नजर आता है। गुरिल्ला छापामार युद्ध में मुंह की खाने वाले अमेरिका के ऐसे कई उदाहरण हैं। इसका एक उदाहरण इराक भी है। पश्चिमी एशिया के साथ साथ समूचे विश्व के लिए खतरा बन चुके खूंखार आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट का इराक के कई हिस्सों पर कब्जा है। हालांकि लड़ाकुओं की सेना अमेरिकी फौज के आगे किसी स्कूली परेड जितनी भी नहीं होगी, यानी ये भी मुट्ठी भर लड़ाके हैं। लेकिन इसके बाद भी अमेरिकी सेना वहां संघर्ष कर रही है, यानी वहां भी अमेरिका गुरिल्ला युद्ध में खुद को बचा पाने की स्थिति में नहीं है। इस्लामिक स्टेट के पास ना तो अमेरिका जैसी तकनीक है, ना सैन्य बल और ना ही पैसा। इसके बावजूद पिछले जून में ही आतंकियों के अमेरिका के 2 ड्रोन मार गिराए थे। इराक में अमेरिकी सेना की स्थिति बहुत मजबूत नहीं है। हालांकि गनीमत है कि अमेरिकी सैनिक अभी भी वहां मौजूद हैं। हो सकता है कि बहुत जल्द बाइडेन वहां से भी अपनी सेना वापस बुला ले। छोटे छोटे देशों से भी मिल चुकी है शर्मनाक हार। साल 2021 में भी इतिहास ने अपने आप को दोहराया। इस बार भी वही अमेरिका था और वही अमेरिकी सेना, लेकिन इस बार नक्शे पर था अफगानिस्तान और फैसला लेना था जो बाइडेन को, और वही हुआ जो पहले हुआ था। अमेरिकी हार को छिपाने के लिए कुछ लोग उसामा बिन लादेन की हत्या का तर्क दे रहे हैं। इतिहास में सद्दाम हुसैन और कर्नल गद्दाफी के अंत को भी अमेरिका की जीत के रूप में दिखाया जाता है। लेकिन हर बार ये तथ्य सामने आकर खड़ा हो जाता है कि अफगानिस्तान, इराक जैसे कई देशों में आतंकवाद और अमेरिकी सेना एक साथ आगे बढ़े थे।
रिपोर्ट्स बताती हैं कि 1945 के बाद अमेरिका कोरिया, वियतनाम, खाड़ी, इराक और अफगानिस्तान में बड़े युद्ध लड़ चुका है। इनमें से 4 लड़ाइयों में अमेरिका की हार हुई है। आखिर अमेरिका ऐसे युद्ध हार क्यों रहा है? द अमेरिकन वॉर इन अफगानिस्तान अ हिस्ट्री के लेखक कार्टन मलकासियन ने अमेरिका की हार पर विश्लेषण किया है। उन्होंने कहा कि 1945 के बाद युद्धों में अमेरिका का मुकाबला ऐसे स्थानीय लड़ाकों से हुआ जो सैन्य ताकत में भले कमजोर थे लेकिन लड़ाई के प्रति अधिक प्रतिबद्ध थे। काबुल से जिस तरह अमेरिकी सेना भागी है उसने बाइडन और भविष्य के राष्ट्रपतियों के लिए एक शर्मनाक दस्तावेज तैयार कर दिया है जो हमेशा दुनिया के नक्शे पर अमेरिका के आगे चस्पा रहेगा। अमेरिकी सैनिक ऐसी जगहों पर लड़ रहे थे जो इनके लिए बिल्कुल नई थी। एक तरफ सेना स्थानीय कल्चर और भाषा से पूरी तरह अनजान थी, वहीं दुश्मन को न सिर्फ क्षेत्र की जानकारी थी बल्कि उसके साथ लोकल सपोर्ट भी था। तालिबान समेत कई बार अमेरिका का दुश्मन ऐसी गुरिल्ला सेना थी जो न मरने से डरती थी और न मारने से कतराती थी। तालिबानी जंग के मैदान में मरने और मारने के मकसद से आते थे। धार्मिक कट्टरता ने अमेरिका के दुश्मन को और खतरनाक बना दिया, लिहाजा अमेरिकी सैनिकों ने मैदान छोड़कर भागना पड़ा। इन हारों ने न सिर्फ इतिहास बदल दिए बल्कि ताइवान और भारत जैसे देशों को अमेरिकी सहयोग पर संदेह करने के कारण भी दिए हैं। खैर, आप गुरिल्ला छापमार युद्ध प्रणाली के बारे में कितना कुछ जानते हैं? वहीं क्योंकि इस युद्ध में भारत को महारत हासिल है। भारत में महाराणा प्रताप, राणा सांगा जैसे प्रतापी राजा इस युद्ध प्रणाली के महारथी थे। ऐसे में क्या आप भी इस बात को मानते हैं कि चीन जैसे देश को मात देने के लिए भारतीय सेना को भी भविष्य में ऐसी ही युद्ध प्रणाली पर काम करना चाहिए? इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट जरूर करें।